बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल अमान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा आप एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बने हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए ज़फ़र इकबाल आवान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत फजल है, पंचन पाक के सबके मौला का फजल, माशाल्लाह। सबसे पहले तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बनने पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। खैर मुबारक। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के क्या फ़राइज़ हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो होते हैं जी, इनके जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक, जिनको हर ला अफसर को, ला अफसर में हमारे एडवोकेट जनरल साहब होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक सर, हमारा ये जॉब होता है, हमारा ये फंक्शन होता है, अच्छा, कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम मुकदमात जो हैं जी, वो सिविल के हों, वो रेवेन्यू के हों, वो क्रिमिनल हों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हों, सबको डिफेंड करना होता है। इसमें ज़्यादा वर्क जो है वो रिट पटिशन का आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक सूरत है जिसमें लोगों के राइट्स होते हैं, तो उसके लिए हम अपने फ़रायज़ मनसबी में जी इस बात को बहुत अहम समझते हैं कि लोगों के हकूक किसी भी लिहाज से दबने नहीं चाहिए, उनको अनिर्भाई कोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स जी जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है उसके मुताबिक प्रोटेक्शन देती है, हम भी उनको उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते हैं जी सर, उनको हर लिहाज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। कोई भी ला ऑफिसर जी कभी ये नहीं करता कि जिधर किसी भी इंडिविजुअल के या सोसाइटी के फंडामेंटल राइट्स जी इन्वॉल्व हों तो उनकी मुखालफत करें। अच्छा। नहीं, हम सब ला अफसर इसीलिए होते हैं सही कि जो दुरुस्त होना होता है उसको दुरुस्त करवाते हैं, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, रूल ऑफ लॉ की अहमियत के बारे में हमें बताइएगा। भाई साहब, रूल ऑफ लॉ की अहमियत बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस दीन में रूल ऑफ ना हो वो सोसाइटी नहीं रहती, वो माशरा नहीं रहता, वहाँ पर इंसानियत नहीं रहती। हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जो आखिरी दिया था उसमें सबसे ज़्यादा आपने हर बात को अहमियत दी थी, लेकिन रूल ऑफ लॉ को और इंसानी हकूक को जो आपने अहमियत दी थी, जो आपने चार्टर दिया था, आज तक उसी पर अमल हो रहा है और उसके मुताबिक हम सब चल रहे हैं, उसी खुतबा पर गामजन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर जंगल में और इंसानों के माशरे में अगर फर्क किया जाए तो फिर सोसाइटियाँ कैम नहीं रहती, फिर माशरे कैम नहीं रहते। ख़ास तौर पर हमारा माशरा जो है वो तो कैम ही नहीं रह सकता जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो। तो रूल ऑफ लॉ के लिए हम सबको
कोशिश करनी चाहिए कि रूला फुला जो है वो हर लिहाज से, हर कॉर्नर से, हर तबका से कायम दायम रहना चाहिए। हुकूमत की रेट हमेशा रहनी चाहिए। जब तक हुकूमत की रेट नहीं होती, रूला फुला नहीं आ सकता। रूला फुला उसी वक्त आता है जब हुकूमत की रेट होती है। तो हुकूमत की इस वक्त रिट है, रिट मौजूद है। अच्छा, ठीक। अच्छा जनाब, आप गवर्नमेंट की तरफ से लीगल ओपिनियन देते हैं या गवर्नमेंट के केसेस को हैंडल करते हैं? जी, दोनों काम ही करते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट लीगल ओपिनियन किसी भी केस में मांगता है, अच्छा, तो हमारे फ़रैज में शामिल है कि वो हमें लेटर लिखते हैं कि फ़लाँ मैटर में हमें लीगल ओपिनियन दें। तो उसमें हम उनको लीगल ओपिनियन देते हैं कि इसको इस तरीका से करना है। उसके बाद आपने सेकंड का है केसेस का, केसेस भी तमाम प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स और ऑनरेबल एडवोकेट जनरल साहब ने करने होते हैं, हम करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एडवोकेट जनरल साहब की जो मौजूदा टीम है बहुत बेहतर टीम है, क्योंकि हमारे एडवोकेट जनरल साहब जो हैं उनकी तकरीबन सारी एजुकेशन बाहर की है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उसी के मुताबिक वो कोशिश करते हैं मेरी टीम चले और हम उनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज अ सीनियर कानूनदान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एडिशनल एडवोकेट जनरल, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं 83 में एज ए एडवोकेट एनरोल हुआ, 86 में आनंद भाई कोर्ट का एडवोकेट एनरोल हुआ, 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एनरोल हुआ। उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में जो मुझे याद पड़ रहा है इसके मुताबिक हम 1300 कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स थे। अच्छा, तो बतौर एडवोकेट किसी भी मुकदमा की पैरवी करने के लिए, उसमें आप एडवोकेट हों या ला अफसर हों, तो आपको नंबर वन उस मुकदमा के फैक्ट्स पर पूरा अबूर होना चाहिए, आपको उसके फैक्ट्स पड़े होने चाहिए, उनका आपको पता होना चाहिए। नंबर दो, उसके रेलेवेंट जितना भी बेसिक ला हो, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हो, वो रेवेन्यू का हो, वो सिविल का हो, किसी भी कैटेगरी का मुकदमा हो, तो आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मैं मुकदमा को हर लिहाज से तैयार करूं। पहली जिम्मेदारी तो ये वकील की आ गई। वकील की वजह से कभी भी अदालत में अड़जर्मेंट नहीं होनी चाहिए कि मुकदमा वकील की वजह से अड़जन हो जाए। उसके बाद आती है पुलिस। मेरा तल्लक पंजाब पुलिस की हद तक है, क्योंकि हम सिर्फ पंजाब पुलिस को डील करते हैं, FIA को और बाकी फेडरल फोर्सेज जो हैं उनको अलहदा दफ्तर है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो डील करते हैं, जिनके अटॉर्नी जनरल कल अपॉइंट हुए हैं मंसूर उस्मान अवान। और ये मैं कहता हूँ कि जनूबी पंजाब पर अल्लाह का फजल है कि अटॉर्नी जनरल बेसिकली ही इज़ फ्राम मुल्तान। अच्छा, उसके वालद साहब मुल्तान बार के सदर रहे हैं और वो 96 में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे, मलक हैदर उस्मान अवान। अच्छा, तो बड़ा लायक आदमी है मंसूर। अच्छा, अल्लाह ताला उसको और बेहतर मौके दें। और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत अच्छा साबित होगा इन हालात को संभालने में, कानून के मुताबिक इन हालात को सुधारने में
ला को पाकिस्तान में सही तरीका से चलाने में। तो आपका सवाल था इंसाफ की फरहमी के लिए। तो बात हो रही थी पुलिस की। पंजाब पुलिस बाकी तीनों सूबों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। वो कोशिश करती है कि मुकदमात का चलान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अदालत में दिया जाए। अदालत में चलान देने के बाद एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, अच्छा, उसको पुलिस ने गवाहन की प्रोडक्शन करनी होती है। अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी कोर्ट में चार गवाह आए हैं, दो आए हैं, तीन आए हैं, तो सब की एविडेंस जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए। और उसमें ये अल्लाह का फजल है कि हमारी जुडिशली जो ट्रायल करती है वो भी शाम गए तक बैठे रहते हैं। जब गवाह आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि इनकी एविडेंस जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए, किसी गवाह को वापस ना भेजा जाए, किसी गवाह को दोबारा ना आना पड़े। हाँ, बाद हालात में डिले हो जाती है, वो इस सूरत से होती है कि बाद अवकात एक डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया होता है या जिसने मेडिकल रिपोर्ट बनाई होती है वो पहले बहावलपुर है, तो आजकल वो सरगोधा में है या लाहौर में है, तो उसके आने की वजह से हो सकती है। कुछ पुलिस वाले जो आईओज होते हैं जिनको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो कोई अगर सियाला ट्रेनर के लिए गया हुआ है या किसी और जगह पर पोस्टिंग हो गई है, तो बाद अवकात इस वजह से लेट होती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन हमेशा ये कोशिश करती है कि किसी भी मुकदमा को जितनी जल्दी फैसला तक रसाई हो सके उसको फैसला तक ले जाएं, ताकि अवाम को जल्द इंसाफ मिले। ठीक, अच्छा जनाब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वकील को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, आपकी क्या रहे है को केसेस के हवाले से? मैंने पहले भी आपको अर्ज कर दिया, आपने क्वेश्चन किया था, उस सवाल में मैंने आपको जवाब दिया है कि वकील अच्छा होता है, लेकिन अगर एक अच्छे वकील ने अपना केस नहीं पढ़ा हुआ, उसने फैक्ट्स तैयार नहीं किए हुए, उसने लॉ तैयार नहीं किया हुआ, उसको लॉ का पता नहीं है, तो वो अच्छा वकील नहीं रहेगा। किसी भी केस को प्लीड करने के लिए वकील के लिए ज़रूरी है कि वो सिविल जज दर्जा स्वयं की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उसको अपना केस जो है उसका हर कॉर्नर से पता होना चाहिए और उसका केस जो है वो हर लिहाज से तैयार होना चाहिए, ताकि अदालत ये ना कहे कि मिस्टर एडवोकेट आपका इस केस फलां कॉर्नर से तैयार नहीं है। मैंने ये बात आज तक कभी भी किसी भी अदालत से अपने बारे में नहीं सुनी कि मिस्टर अवान आप तैयार नहीं हैं। माशाल्लाह, हमेशा अदालत ने मुझे कहा है कि मिस्टर अवान केस आप अच्छा तैयार करके हमारे पास आते हैं। ठीक, अच्छा जनाब, रमज़ान अल मुबारक में मुसलमानों को, मुसलमान भाई के लिए क्या करना चाहिए? रमज़ान शरीफ की आप बात करते हैं, सिर्फ रमज़ान शरीफ में नहीं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, हमें पूरे 12 महीने ही एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का तकरीम, आपकी जेब इजाज़त देती है तो ज़रूरियात, ख़ास तौर पर जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाया के बारे में, हमसाये के हकूक के बारे में, मुसलमानों के हकूक के बारे में, गैर मुसलमानों के हकूक के बारे में, आपने इसमें कोई फ़र्क नहीं किया। जिस तरह के वो इंसान हैं उस तरह के हम हैं, लेकिन हो सकता है वो हमसे बतौर इंसान के बेहतर इंसान हों, तो इसलिए मैं सिर्फ मुसलमान का मुसलमान के साथ सलूक जो है उसकी बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे जब से होश संभला है मुझे ये सबक दिया गया है, जो कि मेरे बुजुर्गों की तरफ से मुझे सबक मिला है,
कि इंसान को इंसान समझकर उसकी कदर करें। आदमी दुनिया में बहुत हैं लेकिन इंसान आपको बहुत कम मिलेंगे। और इंसानियत की कदर करो, आदमी की कदर करो, वो भी एक बंदा है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो इसलिए रमज़ान मुबारक तो बाबरकतों वाला महीना है। आपका क्वेश्चन जो है, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन किया है, मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि हमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे मज़हब ने ये हुक्म दिया है कि इंसानियत की कदर करें। और हज़रत अली करमुल्ला वाजह ने फरमाया है कि आपका एक दोस्त है, उसका 15 साल से आपके साथ रابطہ नहीं है, आपके हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन कोई 15-20 साल के बाद अल्लाह तबारक ताला ने आपके हालात बेहतर किए हैं, उसने आपको याद किया है, तो वो जो कहता है, जो उसकी तवक्कात हैं, उसकी तवक्कात के मुताबिक आप उसे तवक्कात पूरा करें। इसलिए कि आप पर अल्लाह ने फजल किया है, उसने आपको याद किया है। ये मत सोचें कि मेरे ऊपर आज अच्छा वक्त आया है तो उसने मुझे याद किया है, नहीं, ये आप पर अल्लाह ने फजल किया है और उसने आपको याद किया है। अगर वैसे वक्त गुजरता रहता, हो सकता है वो आपको याद करता ना, याद ना करता। तो कोशिश किया करें कि इंसान को जिस हद तक अबलाइज कर सकें, किसी दूसरे का हक तलफ ना हो, तो इंसान को इंसान समझते हुए, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो यहूदी है, वो कुछ भी है, उसकी खिदमत करें। उसने जो आपको कहा है, कोशिश करें उसको पूरा करने की। ठीक, ज़फ़र इकबाल अवान साहब, रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का वजूद रमज़ानुल मुबारक में हुआ था। मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरी धरती, मेरा देश गरीब नहीं है, इसमें हर चीज़, हर किस्म की मादनियात, हर किस्म की गैसेस, हर किस्म की फसलात, हर किस्म के बागात पैदा होते हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा और बेहतरीन मुल्क है, जो कि रोज़े अव्वल से खुशहाल है। ऐसी बात नहीं है कि हम खुशहाल नहीं हैं, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप जिस जॉब में हैं, उसमें आप किस हद तक हार्ड वर्किंग करते हैं। आपकी हार्ड वर्किंग जो है वो आपको खुशहाल करेगी, वो आपको आगे लेकर जाएगी। जब इस सोसाइटी में रहने वाले लोग खुशहाल होंगे तो उससे मुल्क खुशहाल होगा। मुल्क की खुशहाली वो एक अक्लमंद ने कहा था कि किसी बंदे की आपने खुशहाली या माली पोजीशन देखनी है तो ये देखें कि उसके बच्चे के कपड़े कैसे हैं, उसके बच्चे के जूते कैसे हैं, और उसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे के माली हालात क्या हैं। आपने बात किया पाकिस्तान की खुशहाली की, पाकिस्तान के ऊपर अलग फजल है, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है, पाकिस्तान गरीब नहीं है। ये एक अलहदा बात है कि हम जिधर बैठे हुए हैं, हम में से कुछ लोगों का जी नहीं करता कि हम मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें। ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं शॉर्टकट की, शॉर्टकट नहीं, एक रेगुलर काम करें। जिस तरह कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, काम 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 की वजह से ही आपके ख़ानदान पर खुशहाली आएगी। आपके ख़ानदान पर जब खुशहाली आएगी, आपके माशरे में खुशहाली आएगी। जब आपके माशरे में खुशहाली आएगी तो पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी। बिल्कुल, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बुकला ज़बान को आपका क्या पैगाम है?
मैं वकला हजरात के लिए गुजारिश करने से पहले आपको एक गुजारिश करूंगा जी। वो आपने अपने सवालात में नहीं रखा। जिस दिन का पाकिस्तान बना है जी, उस दिन से लेकर आज तक इस धरती के लिए जो कुछ अफवाज पाकिस्तान ने किया है, जो सिपाही से लेकर जनरल तक लोग इस धरती की सलामती के लिए शहीद हुए हैं, इस वतन की बका के लिए हर छोटे रैंक से लेकर बड़े रैंक तक कुर्बानी दी गई है, तो आप जब भी किसी का इंटरव्यू करें तो उसमें सबसे पहले इस पाकिस्तान की सलामती, ये बिल्कुल एक बदकिस्मती समझें कि पाकिस्तान के मशरक की तरफ इंडिया हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान के जनूब की तरफ इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारे मगरब की तरफ कुछ हिस्सा उसका आता है और एक तरफ से हमें थोड़ा सा सुकून है, तीन अतराफ के जग्राफिया के मुताबिक आपके दुश्मन बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की धरती को सलामत नहीं देखना चाहते, तो इसकी बका के लिए आज तक जो कुछ अफवाज पाकिस्तान ने किया है, हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना रहना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती बिल्कुल कि लोग क्यों बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, किस लिए बातें करते हैं, कौन है जो एक तनख्वाह की खातर अपनी जान देगा, अपने 22 साल बच्चे को शहीद करवाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं आ जाएं, जो तनख्वाह कितने लेफ्टिनेंट शहीद हुए हैं मैं उनको तनख्वाह देता हूं उतनी एक लेफ्टिनेंट की, जाएं वो एजेंसी एरिया में जाकर लड़ें, जाएं वो जाकर इंडिया के बॉर्डर पर लड़ें, जाएं वो जाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें, वो कौन कर रहे हैं, वो मुकाबला करने वाले कौन हैं, वो मेरे और आपके बेटे हैं जो अपने हाथों पर अपनी जान को रख कर इस मुल्क की बका की खातर, इस मुल्क की हिफाजत की खातर कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। उनको ये नॉलेज होता है कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी ना नहीं की, ना का वर्ड आपको उनसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो इस पाकिस्तान के सबूत हैं, वो इस पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, वो इस पाकिस्तान की बका के लिए हैं, वो आपकी बका के लिए हैं, वो इस मखलूक की बका के लिए हैं जो पाकिस्तान में रह रही है, इन सब के लिए हैं वो, और उन सब के लिए वो अपना खून देते हैं, इन सब के लिए वो अपनी जानें देते हैं। मुझे आप कोई रैंक नहीं बता सकते जिस रैंक का बंदा अफवाज पाकिस्तान का शहीद ना हुआ हो, वो अगर रेंजर में हैं तो वो भी पाक फौज के हैं, वो कोस्ट गार्ड में हैं तो वो भी नेवी के हैं, वो नेवी में हैं तो उनका यही हाल है, पाकिस्तान एयरफोर्स में है तो यही है, हर जगह पर यही सब कुछ हो रहा है। इस पाकिस्तान की बका के लिए, इस पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए वो अपनी जानें देते हैं। हमें सबसे पहले उन लोगों की कदर करनी चाहिए, हमें उन लोगों की तरफ देखना चाहिए कि वो जिसकी शादी 4 माह पहले हुई है आज वो कहाँ है, वो एजेंसी के एरिया में लड़ रहा है और लड़ते हुए वहाँ पर शहीद हो रहा है, वो शहीद हो गया है। मुझे बताएं ये बातें करने वाले लोग जो हैं, जो फौज के बारे में बातें मुख्तलिफ बातें करते हैं कि फौज ने ये किया, फौज ने ये किया, वो इस तरफ क्यों नहीं सोचते। मैंने पहले भी कहा है कि इतनी तनख्वाह पर वो अपने बेटे को भेज देंगे कि जाओ जाकर करो, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। ये किन लोगों का काम है? वो सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है जिनके खून में इस मुल्क की बका के लिए जंग लड़ना है, जिनके खून में ये शामिल है कि इस पाकिस्तान की हमने हिफाजत करनी है। मेरा भाई ये पाकिस्तान है तो मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ,
ये पाकिस्तान है तो मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ, ये पाकिस्तान है तो मैं इस दफ्तर में बैठा हूँ, ये पाकिस्तान है तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बनने का पहले का मंजर अपने बड़ों से पूछें कि क्या था, क्या होता था। आप अजाने नहीं दे सकते थे, अजानों पर लड़ाई झगड़े होते थे, फसादात होते थे, लोग शहीद होते थे, उनके लोग भी मरते थे। तो ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की दी हुई आपको नेमत है, इस नेमत की हमें कदर नजर करनी चाहिए। हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना रहना चाहिए। कभी फौज को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि अवाम हमारे साथ नहीं है। जब तक अवाम उनके साथ नहीं होंगे तो अफवाज पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं लड़ सकती, वो अफवाज पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकती। ये है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत मेहरबानी। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।